बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन ओब्लिक एक्सिस। ठीक है बेटा, इसमें मैं आपको बेटा वन पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइंस हम डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट बेटा यू नो, देखो बेटा जब हम रेक्टेंगुलर एक्सिस स्टडी किए थे बेटा, उसमें हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये डिस्टेंस ए है, तो ये इस लाइन को हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते थे, तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, एक्स इक्वल टू ए। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते ये डिस्टेंस ये बी है, तो हम इसको क्या लिखते थे, वाई इक्वल टू बी। सेम इमेज इसमें बेटा ओब्लिक एक्सिस में है, एक्स एक्सिस दिस वन इज वाई एक्सिस। ओके, व्हेन डिस्टेंस दिस वन, ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, जैसे रेक्टेंगुलर एक्सिस में एक्स इक्वल टू है, यहां पे भी हम क्या कहेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू है। दिस डिस्टेंस लेट बी, ठीक है, बी पॉइंट है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू बी। सेम बेटा जैसे हम पहले पढ़िया है बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं वन पॉइंट फॉर्म, वी स्टार्ट वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके बेटा, पहले हम ओब्लिक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटा जब हम रेक्टेंगुलर एक्सिस में पढ़ाया, हमने क्या स्टडी किया है वहां पे, इन रेक्टेंगुलर एक्सिस दिस लाइन मेकिंग एंगल थीटा, दिस पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं इसकी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप मीन्स टैन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। ओके, हम इसमें ओब्लिक एक्सिस में प्रूव करना है बेटा। ठीक है बेटा, लेट दिस लाइन, यू नो बेटा ये एंगल क्या होता है ओब्लिक एक्सिस में, ओमेगा। लेट दिस लाइन मेकिंग एंगल, कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन। किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा इक्वेशन, एक्स वन टेक पॉइंट एक्स वन वाई वन। ओके, एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास हो रही है इक्वेशन, दिस पॉइंट इज बेटा पी। लेट एनी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, टेक एक्स वाई। ओके, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बेटा, दिस ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एम, एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज पी क्यू आर। ओके, यू नो बेटा दिस एंगल इज ओमेगा। ओके, ये एंगल क्या है हमारे पास, ओमेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस लाइन। ओके, सो बेटा दिस, ये एंगल कितना है थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, क्लियर होगा, ये एंगल कितना हो गया थीटा। ओके, देन बेटा टोटल एंगल ये कितना है, ओमेगा। ओके, ये कितना रह गया ऊपर, ओमेगा माइनस थीटा। ये एंगल भी कितना होगा बेटा, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, ओमेगा माइनस थीटा। ओके, क्लियर है पॉइंट बेटा, सो दिस पॉइंट इज एक्स वन वाई वन। ओके, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ओमेगा माइनस थीटा। ओके, यूजिंग साइन फॉर्मूला, बेटा आपको याद है साइन फॉर्मूला क्या है, ए बी सी, दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी, ए के ऑपोजिट ए बी सी, तो साइन फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए पॉन साइन ए, बी पॉन साइन बी, एंड सी पॉन साइन सी। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग साइन फॉर्मूला, बेटा क्या आएगा, देखो
ए की ऑपोजिट साइड ए अपॉन ए अपॉन उसके ऑपोजिट क्या एंगल है साइन ए। यहां पे देखो बेटा दिस साइड क्या हुआ उसके ऑपोजिट एंगल क्या है थीटा साइन थीटा ओके एंड क्या हुआ पी आर अपॉन साइन बेटा इसके ऑपोजिट एंगल कितना है ओमेगा माइनस थीटा ओके सो वी हैव क्या हुआ अपॉन पी आर दिस वन इज ए साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा ओके क्लियर है बेटा ये लिख रहे हैं लिख लो पी क्यू अपॉन दिस एंगल हमें बेटा इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने ये लिखा है ओके क्या हुआ अपॉन पी आर वी फाइंड क्या हुआ बेटा दिस लेंथ इज वाई ओके दिस लेंथ इज वाई वन ओके सो दिस लेंथ क्या रहेगी बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन अपॉन पी आर पी आर किसके इक्वल है बेटा एम एन ओके ओ एन इज x ओ एम इज x वन सो दिस वन इज x माइनस x वन साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा सो वी हैव y माइनस वाई वन साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा एक्स माइनस एक्स वन जब रेक्टेंगुलर एक्सिस में पढ़ा था बेटा वन पॉइंट फॉर्म ऑफ या पॉइंट स्लोप फॉर्म उसमें क्या लिखते थे वाई माइनस वाई वन स्लोप एक्स माइनस एक्स वन सो दिस वन इज ए स्लोप ऑफ लाइन सो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास बेटा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन जस्ट सपोज बेटा फॉर एग्जाम्पल हमें पॉइंट दे दिया बेटा उन्होंने टू थ्री ठीक है ओब्लिक एक्सिस में एंगल हमें दिया है बेटा 60 डिग्री और थीटा एंगल कितना बना रही है लाइन बेटा 30 डिग्री हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो किसे कैसे लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना है बेटा यहाँ पे एक्स वन वाई वन वाई माइनस थ्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा सो दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री एक्स माइनस एक्स वन सो वी हैव वाई माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई बेटा एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो नेक्स्ट बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नेक्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें क्या दिया है बेटा एंगल एंड क्या दिया हुआ है पुत्र y इंटरसेप्ट ओके सो दिस वन इज x एक्सिस ओके बेटा इन रेक्टेंगुलर एक्सिस हमने पढ़ा है बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी बेटा x एक्सिस y एक्सिस हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी बेटा ये लाइन कट कर रही है कितनी लेंथ c एंड एंगल थीटा देन इक्वेशन क्या थी बेटा एम एक्स प्लस सी इन रेक्टेंगुलर एक्सिस ओके सेम बेटा हमने इसमें निकालनी है बेटा इन ओब्लिक एक्सिस ओके सो लेट दिस लाइन कट इंटरसेप्ट दिस वन इज सी ऑन वाई एक्सिस एंड मेकिंग एंगल थीटा ओके क्लियर पॉइंट बेटा सो वी फाइंड द इक्वेशन दिस एंगल इज ओमेगा सो लेट दिस पॉइंट इज पी एक्स वाई ड्रॉ ए लाइन पैरल टू वाई एक्सिस मीट क्यू ड्रॉ ए लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस दिस वन वाई एक्सिस मीट द पॉइंट आर दिस वन इज एस ओके सो यू सी दिस एंगल इज ओमेगा सर टोटल एंगल क्या है ओमेगा दिस एंगल इज थीटा ओके सो ये कितना आ गया बेटा ओमेगा माइनस थीटा सो दिस वन इज ऑल्सो ओमेगा माइनस थीटा अगेन साइन फॉर्मूला साइन फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास पी आर अपॉन साइन थीटा एंड बेटा एस आर अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा देन पी आर दिस वन इज ए वाई दिस वन इज ए सी सो दिस लेंथ इज वाई माइनस सी अपॉन एस आर बेटा इस तरफ एस आर ये लेंथ क्या है बेटा एक्स ओके दिस वन
x, this one is also x. साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा. सो हमारे पास क्या है बेटा, वाई माइनस सी साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा इंटू एक्स. सो वाई किसके इक्वल आया बेटा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन साइन ओमेगा माइनस थीटा इंटू एक्स प्लस सी. ओके, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो वन एग्जाम्पल बेटा इसकी, एग्जाम्पल क्या है बेटा, फाइंड द एक्सिस. एग्जाम्पल है बेटा विंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री. फाइंड द इंक्लिनेशन टू द एक्स एक्सिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव. बेटा हमने इसका ये एंगल निकालना है थीटा. ये कौन कितना एंगल बना रहा है बेटा थीटा. सो हमारे पास बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री. ओके, पुट इन दिस वन, वाई बेटा वाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू एक्स प्लस सी. ओके, कंपेयर विद दिस, कंपेयर विद y equal to 2x plus 5. So we have sin theta upon sin 60 degree minus theta equal to 2. So sin theta equal to 2 sin 60 degree cos theta minus cos 60 degree sin theta. Okay, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. So this one sin theta equal to 2. Sin 60 degree root 3 by 2 cos theta minus 1 by 2 sin theta. So we have sin theta equal to root 3 cos theta minus sin theta. So 2 sin theta equal to root 3 cos theta. So tan theta is equal to root 3 by 2. So हमारे पास theta कितना आ गया बेटा, tan inverse root 3 by 2. सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी इक्वेशन स्टडी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच बेटा.